ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। सर, आज से दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत, मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल के कामों को लेकर के 10 साल में जो नहीं हुए उनको लेकर जनता के बीच में जाना है, या फिर लड़ाई केंद्र सरकार को लेकर? देखिए साहब, दिल्ली में अगर आप माने तो 75% जिम्मेवारियां केजरीवाल की और 20-25% दिल्ली भारत सरकार की है। दोनों ने सत्यानाश किया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहे कि नहीं साहब, बागडोर तो इनके हाथ में, जो मैं मानता हूं, तो 1.5 साल पहले तक तो एमसीडी भी आपके पास थी ना। कूड़ों के ढेर भूल गए क्या लोग? वो यो दूसरी बात है कि जो कूड़े के ढेर हटाने के लिए आए थे केजरीवाल, आज वो उससे भी ज्यादा ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं। इसलिए हमारा तो ये है कि दिल्ली में आज, दिल्ली के जगह जगह पे लोग 10 साल पहले की दिल्ली याद कर रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो हमारा तो काम है लोगों के बीच में जाना कि जिस दिल्ली को आप याद कर रहे हैं वो दिल्ली बनाने वाले भी आज आपके बीच में खड़े हुए हैं। आपने हम लोगों को जो भी कारण था नकारा, आपको लगा कि हम इस लायक नहीं है कि आपकी सेवा करें, लेकिन तब भी और आज भी आपकी सेवा के लिए हम वहां खड़े हुए हैं। एक बार हमें मौका दीजिए, एक बार फिर न्याय की तरफ देखिए, लेकिन ये न्याय विकास का न्याय है, ये न्याय सत्य बोलने का न्याय है, ये न्याय दिल्ली के लोगों को एक बेहतर शहर देने का न्याय है, और उस न्याय यात्रा में हम खड़े हैं। जनता के बीच जाएंगे, तमाम सवाल जो होंगे ये भी होगा कि लोकसभा में आप साथ हो जाते हैं, विधानसभा में अलग अलग हो जाते हैं, क्या विधानसभा में एक साथ जाएंगे या अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे? नहीं साहब, विधानसभा में एक, मैं आपको देखो तर्क देता हूँ हम क्यों लोकसभा में एक साथ थे। तर्क ये था कि कांग्रेस की ये सोच थी, जो आम आदमी पार्टी की कभी बदल जाती है कभी हो जाती है, क्योंकि वो तो मौका देखकर जो है उस तरह चलते हैं, कि हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार ने इस देश को बहुत हद तक बर्बाद किया है। विकास नहीं होने दिया, यहाँ का ताना बाना तोड़ा, यहाँ का सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चकनाचूर किया। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। उस समय तक आम आदमी पार्टी भी चुनाव के 5-6 महीने पहले तक वही स्वर बोलने लगी जो राहुल जी बोलते थे। तो हम लोगों का था कि जो भी हमारे साथ खड़ा है बीजेपी के खिलाफ वो हमारे साथ आए, क्योंकि सत्ता में वहां आम आदमी पार्टी नहीं थी, सत्ता में बीजेपी थी। जिस तरीके से केजरीवाल ने मोदी ने बर्बाद किया है भारत को, उसी तरीके से केजरीवाल ने सत्यानाश किया है दिल्ली का। तो जिन उसूलों से हम बीजेपी के खिलाफ खड़े थे उन्हीं उसूलों के साथ हम केजरीवाल के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए अलायंस होने का कोई मतलब नहीं है। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल ने देश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया है और कहा है कि अगर डर लगे तो राम जी को याद कर लीजिए। ठीक है, आप राम जी को याद कर लो, राम जी को तो हम भी याद करते हैं, सिर्फ डर में क्यों? राम को तो हमेशा याद करना चाहिए। इनको तो डर इसलिए है क्योंकि ये जान रहे हैं कि हार रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रभु की भक्ति, उसकी उपासना तो हर समय होनी चाहिए, जब आप सत्ता में हो तब भी, जब आप विपक्ष में हो तब भी। हम तो 10 साल बाहर रहे हैं, हमारे लिए तो वही राम रहे हैं जो हम 15 साल थे। हम अपने कार्यकर्ताओं को कभी ये नहीं कहते कि राम का नाम तब लो जब तुम्हें डर लगता है, राम का नाम आप तब लो क्योंकि आप राम के भक्त हो। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये न्याय यात्रा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 10 साल के कामकाज को लेकर के है, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को डिलीवर नहीं किए, और उसी को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच जाकर के दिल्ली के न्याय की लड़ाई जो है वो कांग्रेस अब लड़ेगी। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ।